अगर आपने हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें जिससे आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, नहीं तो डिसलाइक करें जिससे कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। हेलो दोस्तों, आज जैसा कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए। सबसे पहले आप इसका मॉडल नंबर दे सकते हैं, B110 है ई। और इसमें प्रॉब्लम क्या है इस बारे में भी बात कर लेते हैं, तो वो भी चेक कर लीजिए आप। तो मल्टीमीटर से इसका देख सकते हैं, देख सकते हैं फुल शॉट है मल्टीमीटर मेरा। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, ये देख लीजिए फुल शॉट है। तो इसका करना क्या है, तो इसका शॉर्टिंग कैसे रिपेयर करना है इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अब देखिए एक ग्राउंड पे रख लेता हूँ और देखिए ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है। अगर देखिए इस पे देखिए शॉर्ट, ये एक साइड बता रहा है, दूसरे साइड देखिए ये नहीं बताएगा क्योंकि ये शॉर्ट नहीं है। जो भी ये शॉर्टिंग प्रॉब्लम है इस लाइन में है। और ये देख सकते हैं नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क जो भी फंक्शन है यही है। और इसके बाद जो ये कंपोनेंट होता है सबसे ज़्यादा शॉर्ट होने का चांस यही होता है। तो सबसे पहले हम इसी को रिमूव करेंगे। तो आप इसे चाहें तो आप असेंबली द्वारा भी इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रिमूव करूँगा। आप चाहें तो आप असेंबली से रिमूव करिएगा। जैसा कि मैंने ये रिमूव कर दिया हूँ, अब इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं। देखिए अभी भी शॉर्ट बता रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को भी शॉर्टिंग है तो इन दोनों को भी रिमूव करना है। इनको भी रिमूव कर देते हैं। बहुत ही सावधानी से रिमूव करें कि कुछ और भी पार्ट्स रिमूव ना हो जाए। ये देख सकते हैं हमने इन दोनों को भी रिमूव कर दिया हूँ। सबसे पहले जो है कि इसे रिमूव किया, फिर इसे रिमूव किया, फिर इसे भी रिमूव कर दिया। लास्ट में ये है, इसे भी रिमूव करते हैं। शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। ये भी शॉर्ट बता रहा है। जैसा कि देखिए मैंने इसे भी यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ, फिर भी ये अभी शॉर्टिंग बता ही रहा है। मैं जैसा कि मैंने अभी चेक किया हूँ तो इसे रिमूव करने के बाद भी शॉर्ट बता रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने इसे रिमूव किया, मैं थोड़ा सा क्लियर दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये था, सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करिए, फिर भी अगर शॉर्ट बता रहा है ऑन नहीं हो रहा है तो फिर इन दोनों को रिमूव करिए। अगर ये भी रिमूव करने के बाद भी आपका सेल फोन जो है कि ऑन नहीं हो रहा है तो फिर तीसरा जो है स्टेप ये है कि आप इसे भी रिमूव करिए, ये रिमूव करिए जो मैंने रिमूव कर दिया हूँ, आपको वीडियो दिखाया ही हूँ, तो भी नहीं ऑन हो रहा है। तो इसका एक लास्ट स्टेप है,
जो कि आप उसे रिमूव करिए और आपका 100% है कि आपका सेल फोन ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, आप ये देख सकते हैं, आप पहले ध्यान से देख लीजिए, ये है दूसरा वाला, इस दूसरे वाले को आप रिमूव कर दीजिए। तो आइए हम इसे रिमूव करते हैं। आराम से रिमूव करें कि और कोई रिमूव ना हो जाए। ये देखिए, इसे रिमूव कर दिया हूँ। अब इसे मल्टीमीटर से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब ये ऑन हो जाएगा। अब ये देखिए ऑन हो जाएगा आपका सेट, देख सकते हैं। अब आपका कोई भी शॉर्टिंग हो तो आप इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं।